बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप बंग आवाज के साथ। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज की खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले की चिंगारी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। राजधानी कोलकाता में मंगलवार यानी 27 अगस्त को रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय यानी 99 मार्च करने की कोशिश की थी। इस बीच उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही पानी की बौछारों और टियर गैस का भी सहारा लिया। बताया जा रहा है कि कई जगह पुलिस ने रबर बुलेट भी चलाए। बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में 28 अगस्त यानी आज पश्चिम बंगाल में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य की सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की है। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। गाड़ियों को रोका गया, दुकान बंद करवाई गई। उधर इसके विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और बंद के खिलाफ नारेबाजी की। आसनसोल बस स्टैंड बराकर और रानीगंज से बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे आसनसोल बस स्टैंड के पास, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाहनों को रोक रहे हैं और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। उधर बंडपुर त्रिवेणी मोड़ के समीप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी और कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पे किसी भी तरह प्रशासन या कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि बंगाल बांग्लादेश बनने का कगार पे खड़ा है और इसीलिए यहाँ पर ही छात्र लोग भी जब आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर भी गोली दागी जाती है, उनके ऊपर भी जलकमान चलाया जाता है, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जाता है। बंद का विरोध कर रहे तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। गरीब मानुष को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग बंद का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारा दुकान खुलवा दिए हैं, सब जितना दुकान बंद था बस चल रहा, आप लोग तो देख रहे हैं सब टोटो फोटो जितना सब चल रहा, और हम लोग चलते रहेंगे जब तक 6 बजे शाम तक हम लोग रहेंगे यहाँ पर। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ी, दूल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे बराकर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दुकानों को बंद कराते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल के कार्यकर्ता दुकान मालिकों के साथ उलझते हुए दिख रहे हैं। ये दो तस्वीरें बराकर की आपको दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुलटी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार को गिरफ्तार भी किया। नारेबाजी कर रही है और यहाँ पर पूरे कुलटी के कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। डॉक्टर साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं, रिहाई को यहाँ से रिहा किया जाए। कार्यकर्ता है और पुलिस ने जवाब पा करके ये देखिए यहाँ के विधायक को यहाँ छोड़ दिया है। हम लोग
बंद पूरी तरह सफल किए हैं और पश्चिम बंगाल में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह ये मेरा बंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बंद नहीं है, ये आम जनता का बंद है। वो सरकार के विरुद्ध में सारी जनता, महिलाओं के साथ जो निर्यातन हो रहा है उसके खिलाफ में प्रदर्शन है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे रानीगंज की, जहां बंद का समर्थन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई हुई। दोनों ही दलों के कुछ लोग घायल हुए। इस बीच एक संवाददाता को भी चोटें आई। भाई मारी ना दूरा তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজনকে যারা জড়ো করে তারা প্রথমে চড়াও হয় আমাদের উপর, তারপরও যখন কিছু করতে পারে না তারা পুলিশকে লেলিয়ে দেয় এবং পুলিশ তৃণমূলের ক্যাডারের মতো সারাদিন ধরে ভূমিকা পালন করে এবং আমার হাতে এবং পায়ের মধ্যে অ্যাটাক হয়েছে এবং রবি কেশরী আমার যে মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক তার মাথায় আজকে চোট লেগেছে এবং তিনি একমাত্র হসপিটাল গেলেন। দেখা গেল যে আপনাদের লোকরা ঝান্ডা হাতে নিয়ে বিজেপিকে মারলেন, সে কি কোথায় মারলেন আপনি দেখতে পেলেন, কিন্তু আমিও তো ঘুরছি শহরে, আমি তো ঘুরছি একা মোটর সাইকেলে নিয়ে ঘুরছি, কোথাও তো সেইরকম দেখিনি। কোথায় সাংবাদিক, আপনি তো আছেন এই এখানে সাংবাদিক। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সোমবার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 GT রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। उधर बाराबंकी में बंद का कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर तैनात हो गए और लोगों से बंद का समर्थन नहीं करने की अपील की। জনজীবন ঠিক আছে, আপনি দেখলাম কয়লা ট্রান্সপোর্টিং থেকে শুরু করে এশিয়ার মাইস থেকে শুরু করে সবই চালু হয়েছে, বারামণি কোনো প্রভাব পড়েনি। দাদা মাঝিয়ারা গেদমির মোড়ে একটা ইয়ে দেখলাম আমরা, দু মিনিটের জন্য বসেছিল, সাইড হয়ে গেছে, লোকে কিন্তু কি বসবে। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, फिर होगी मुलाकात कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और हमें अपना सपोर्ट देते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे फेसबुक और एक्स पर भी आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार।